हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मुंबई में बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है और बारिश का टाइम में चटपटा नहीं खाएंगे, ये तो हो ही नहीं सकता है। आज हम बनाएंगे चिली मशरूम एकदम रेस्ट्रो स्टाइल में। मशरूम का बेनिफिट्स तो आप जानते ही हो, फिर हम अपलोड भी करते रहते हैं। ये बटन मशरूम मार्केट से आया है, थोड़ा सा मिट्टी लगा हुआ है। पहले टैप वाटर से क्लीन करके हॉट वाटर एंड सॉल्ट ऐड करके क्लीन कर लीजिए। अभी बताएंगे वेजिटेबल को कैसे कट करना है। मशरूम को स्लाइस कर लीजिए, ऑनियन एंड कैप्सिकम को स्क्वायर शेप में, ग्रीन चिली एंड गार्लिक को स्प्लिट कर लीजिए। वेजिटेबल काटना भी एक आर्ट होता है, लुकिंग ब्यूटीफुल। पहले मशरूम को मैरिनेट करेंगे टर्मरिक पाउडर, सॉल्ट, कॉर्नफ्लावर ऑनियन हाफ टेबल स्पून, सिनेमन पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर एंड चिकन चिली मसाला सब ऐड करके थोड़ा सा विनीगर ऐड करके इसको कोटिंग करेंगे। और नॉनस्टिक पैन में बटर ऐड करके कोटेड किया हुआ मशरूम को फ्राई करेंगे। मशरूम बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ करते हैं, इससे सब्जी मतलब वेजिटेबल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है और मशरूम आप खा रहे हैं पता भी नहीं चलता है। अगर ऐसे आप मशरूम को कोटिंग करके फ्राई कीजिएगा कम ऑयल या बटर में, तब आपको पता चलेगा आप मशरूम खा रहे हैं। तो इसको पहले हम फ्राई करके साइड में रख देंगे, फिर अदर्स वेजिटेबल को हम ऑयल में फ्राई करेंगे। कैसे कर रहे हैं देखिए, बहुत ज़्यादा स्टीम मीडियम फ्लेम में रखिएगा नॉनस्टिक पैन को, मैंने गैस को अभी साइड कर दिया। नॉनस्टिक पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करके क्यूमिन सीड्स को अच्छे से फ्राई करना है, नहीं तो बिटरनेस आ जाता है। अभी स्प्लिटेड गार्लिक को ऐड कर दिया है। दोनों को अच्छे से फ्राई करने के बाद हम ऑनियन डालेंगे। ऑनियन को आप जानते हैं स्क्वायर शेप में काटे हैं। अभी जैसे हम फ्राई करना स्टार्ट करेंगे, इसमें जो जॉइंट्स है वो सब सेपरेट हो जाएगी। इसको इसमें अभी सॉल्ट या शुगर कुछ ऐड नहीं करना है, इसको अच्छे से फ्राई होने देना है। मीडियम फ्लेम में गैस को रखना है और इसको मीडियम ब्राउन करना है। आप देखिए कैसे ब्राउन हो रहा है। कभी लिफ्ट करके नॉनस्टिक पैन को ऐसे मूव करके आप फ्राई कर सकते हैं। और ऑयल कभी भी ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। ऑनियन एंड मशरूम दोनों बहुत ज़्यादा वाटर रिलीज़ करता है। आप तो जानते हैं जब भी ऑनियन फ्राई करने जाते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है। इसमें अगर थोड़ा सा अभी देखिए हम कैप्सिकम ऐड कर दिया है। अभी इसके साथ कैप्सिकम ऐड करके इसको एक साथ फ्राई करेंगे। इसके बाद डालेंगे हल्का सा सॉल्ट एंड शुगर। अभी हम ऐड किया है ग्रीन चिल्ली, स्प्लिटेड ग्रीन चिल्ली। नाउ आई एम एडिंग सॉल्ट एंड शुगर। अभी सॉस को प्रिपेयर कर रही हूँ। आप इसमें कॉर्न स्टार्च ऐड कर सकते हैं, हम नहीं ऐड कर रही क्योंकि मैरिनेट किया। अभी सोया सॉस एंड टमाटो सॉस डाल के हम इसको ग्रेवी मैंने ये सॉस बनाएंगे। बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखेंगे, एकदम ड्राई भी नहीं करेंगे, मीडियम कंसिस्टेंसी में रखेंगे इसको। अभी देखिए ऐड कर दिया है। इसमें अगर थोड़ा सा आप कॉर्नस्टार्च ऐड कर देते हो थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। आप अगर पसंद करते हो तो आप डाल सकते हो। तो 2 मिनट्स कुक होने दीजिए, ज़्यादा नहीं तो कैप्सिकम ऑनियन सब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी। अभी फ्राइड किया हुआ मशरूम को ऐड किया है। इसमें जो कॉर्नस्टार्च हम ऐड किया है ये प्रोपोर्शनेट एकदम परफेक्ट टेक्सचर में आ जाएगी। इसको भी 1 मिनट ऐसे 1 मिनट कुक करने के बाद इसमें हम एक चीज़ रह गया है, वो कसूरी मेथी। इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। आप चाहो तो लास्ट में थोड़ा सा बटर भी ऐड कर सकते हो। स्पाइसी रेस्टोरेंट स्टाइल चिली मशरूम रेडी। आप भी ऐसे बना सकते हो और बासमती राइस या नान या तंदूरी रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। हम बासमती राइस के साथ सर्व कर रही हूँ और बहुत टेस्टी बनाता है। इस टाइप का टेस्टी रेसिपी आपको चाहिए तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सेफ वचन चैनल विद बेल बटन। बाय फ्रेंड्स, सी यू।